हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग अंबर फोर्ट से निकल चुके हैं दोस्तों। अब अंबर फोर्ट से निकल के हम लोग कनक वृंदावन जा रहे हैं, और ये देखिए कनक घाटी और कनक बाग का जो रास्ता है यहाँ दिख रहा है। ऐसा आपको लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पे कुछ पार्क टाइप का होगा, कनक वृंदावन गार्डन होगा, बट ये थोड़ा सा अंदर बनाया हुआ है। और यहाँ से हम इसको टर्न लेते हैं अपनी गाड़ी को। ये मार्किंग अच्छा है, मार्किंग में कोई इशू नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको इसलिए वीडियो जो अपने जो कार के डैशबोर्ड का वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे जाना है। क्योंकि नए लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर उन्होंने अपना जीपीएस वगैरह सेट नहीं करा हो, तो इससे आप इसके वीडियो के हेल्प से आप भी जा सकते हैं। तो ये सामने हमारा कनक बाग आ गया है। तो चलिए अभी हम अपने गाड़ी को पार्क करते हैं, और देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ये हम लोग इसके अंदर आ गए हैं। तो बेसिकली कनक वृंदावन जो बाग है, ये अंबर फोर्ट के ना तो थोड़ा नज़दीकी पड़ता है, नाहरगढ़ हिल के पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। अरावली हिल्स के एरिया में ही, आपको पता है पूरा जयपुर अरावली हिल्स में ही बना पड़ा है। तो ये बिल्कुल आप अगर आप ऑन द वे जाएंगे तो पहले वृंदावन आएगा, फिर नाहरगढ़ हिल आएगा, फिर अंबर फोर्ट आएगा। बट मैं पहले अंबर फोर्ट गया था, तो इसके बाद वापसी में मैं जब जो अपने ट्रिप का जो मेरा प्लान है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो वो मुझे थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, अब हमें अपने ट्रिप को जो हमने जो प्लान किया उसको फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को आराम से देख पाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो फोर्ट है ये महाराजा सवाई जय सिंह जी ने बनवाया था 275 साल पहले, और आप इसकी खूबसूरती को देख पा रहे होंगे। फाउंटेन्स हैं काफ़ी सारे। तो बेसिकली ये जहाँ तक मैंने लोगों से पूछा, तो ये उनका रिक्रिएशनल एरिया था यहाँ पे। और यहाँ पे इस लाइक महाराजा और महारानी वो आते थे और अपने रिक्रिएशन के लिए। आप ये देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में है जो हमने पहले देखा है। सेम आपको फोर्ट में सब आपको ना एक ही स्टाइल के आर्किटेक्ट जो है वो दिखेंगे। और आपको मैं एक सरप्राइजिंग बताता हूँ, यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। आपको शायद पता नहीं होगा, लम्हे पिक्चर का कुछ सीन्स यहाँ पे शूट किया गया है इस कनक वृंदावन बाग में। तो थोड़ा हम लोगों ने वॉक कर लिया, तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और मेरा तो प्लान है यहाँ से हम लोग जल महल के लिए निकले, जो कि पास में ही है बिल्कुल। काफ़ी सारे लोग भी है, काफ़ी एक्चुअली क्या होता है शाम का समय है तो लोग काफ़ी थक गए हैं, तो फिर क्या करते हैं थोड़ा सा अगर शेडो मिले तो कहीं पे थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ये वही है, और ये हम अभी हवा महल पहुँच चुके हैं। हवा महल बिल्कुल पास में ही है, तो मैं इसके सामने से ना आके इसके साइड का ये आपको व्यू दिखा रहा हूँ। वहाँ पे काफ़ी देखिए ये जो जल महल है काफ़ी अच्छा लग रहा है। जल महल जो है मानसागर लेक के बीच में है। ये जो लेक है इसको मानसागर लेक बोलते हैं, ये मानसागर लेक के बीच में है, और इस अराउंड 1699 में बनाया गया था, मतलब 1700 शताब्दी के आसपास इसको बनाया गया था। और 18th सेंचुरी में महाराजा जय सिंह टू ने इसको थोड़ा रिनोवेट वगैरह करवाया है और थोड़ा बड़ा करवाया था। ये साइड व्यू है, हम लोग भी काफ़ी पूरे दिन के बाद काफ़ी थक चुके हैं, हालांकि बच्चे तो एंजॉय करते ही हैं,
बट थकान तो होती ही है। तो दोस्तों आपने रिलैक्स करते हुए चलना है, आपने अपने बॉडी को तकलीफ नहीं देनी है, आपने आराम करते हुए हर चीज़ को देखते हुए एंजॉय करते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको आपने एक प्लान बना लिया और आप मतलब गए थके थके, आपको मज़ा भी नहीं आ रहा है, आप जिस देख रहे हैं बट आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे। तो हम यहाँ बैठ के उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और ये सामने से मैं नहीं देख पाया हूँ, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि किसी दूसरे दिन या फिर नेक्स्ट डे हम इसको जाए और फिर सामने से देखें। और ये देखिए सराउंडिंग, काफ़ी बर्ड्स वगैरह है और काफ़ी फिश है, आप फिश को खाना वगैरह खिला सकते हैं। यहाँ से जाना तो अलाउड नहीं है, तो हम लोग यहाँ से एक्चुअली पहले सुना था मैंने कि यहाँ बोटिंग होती थी। और ये हम सामने से, ये सामने का व्यू है, काफ़ी लोग कपल्स आ रहे हैं प्री वेडिंग शूट या पोस्ट वेडिंग शूट करने के लिए। ये देखिए सामने से, सामने का व्यू देखिए, एस्टॉनिशिंग व्यू है। और ये थोड़ा एक्चुअली बारिश का मौसम हो गया था इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा। जो पीछे के जो हैं वो सारे छुप चुके हैं, इतना इतना ज़्यादा क्लाउड है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप आएँ अगर आप जयपुर तो डेफिनेटली इस जगह को देखिए, मज़ा आएगा आपको, अपने हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। हमने सोचा चलो ठीक है थोड़ा एक फ़ोटो शूट करते हैं, बट क्या हुआ एक्चुअली कि वेडिंग शूट चल रहा है और बारिश भी हो रही है, तो लोगों को थोड़ा सा कि लाइक थोड़ा सा साइड दे देंगे हमारी शूटिंग है। तो मैं चलो ठीक है कोई नहीं, थोड़ा बाद में करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी हम लोग कहीं और निकलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।